तो आज सो वैसे भाई रोहित सोनी के साथ मोई मोई करने के बाद पुलिस वाले भाई देबू मिल गए तो इनसे भी मोई मोई किया। उसके बाद हम लोग निकले नगर भ्रमण पर तो वहाँ भाई रवि पटवारी जी मिल गए तो इनके साथ मोई मोई किया और इनके बैग में से खसरा नक्शा और बी1 का मुआवना करने के बाद मेरा और मम्मी का मन हुआ फुल्की खाने का। सो क्या था, ले आया मैं बहुत सारी फुल्की और जब तक फुल्की वाले के हाथ से न खाओ स्वाद नहीं आता, उनके हाथों में ही स्वाद होता है लगता। उनके हाथों में स्वाद नहीं रहता तो रहन दो, अब आगे बढ़ो तुम। क्या पता क्या कहना चाहता है। फिर निकल गए साइना ट्रेडियम तो यहाँ स्कूलिया फ्रेंड अभिषेक मिल गए और ये हैं अपने कलाकार भाई संजू और इसके बाद एक और अभिषेक मिल गए जो तो अभिषेक को स्क्वायर हुआ हो और ये कोई की टीवी चोरी करके ले जा रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। और फिर भीमेश और रामपाल भाई मिल गए। फिर भीमेश के साथ थोड़ा सा कंप्यूटर चलाने के बाद घर आया तो टाइम नहीं कट रहा था सो आज पहली बार सॉन्ग सुन लिया। इसके बाद रात में दादा का बुलावा आया तो वहाँ गए दर्शन किए प्रसाद चढ़ाया। फिर मैं और गौरव गए नगर सेठानी के पास, यहाँ दर्शन करने के बाद एक शादी थी तो यहाँ अटेंड की। फिर गुरु अंशुल तिवारी जी का घर पर आगमन हुआ झंडा लिखवाने के लिए तो ये झंडे लिखे और यह वीडियो वायरल कराने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर 7 लाख से ऊपर व्यू और 65,000 से ऊपर लाइक्स हैं और इसके कमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उनके भी आंसर दे रहा हूँ। कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि कलर कौन सा है तो भाई साहब ये एक्रेलिक कलर यूज करता हूँ जिसको फैब्रिक कलर भी बोलते हैं और ये फेविक्रिल का है। झंडे की लंबाई 16 फीट है और बहुत सारे लोग जो MP के बाहर से हैं उनकी डिमांड है कि मुझे भी ये झंडा चाहिए है तो आप मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाई पोस्ट ये झंडा पहुँच जाएगा आपके पास। और जो लोग झंडे पर पैर रखने की शिकायत कर रहे थे तो भाई साहब झंडे की साइज बड़ी होती है, इसको दीवार पे टांग के नहीं लिखा जा सकता, इसको जमीन पर रख के ही लिखा जाता है और बहुत कोशिश करता हूँ कि इस पर पैर न रखना पड़े बट बिना पैर रखे लिखते नहीं बनता तो उसके लिए सॉरी और कोशिश करूंगा कि पैर के नीचे कुछ रख लूं ताकि डायरेक्ट झंडे पर पैर न रख पाए। और इसके बाद रात में टाइम नहीं कट रहा था तो मैंने यूट्यूब पर 12th फेल टाइप किया जिसके रिजल्ट में ये मूवी निकली गुठली और लड्डू। वैसे मूवी बहुत अच्छी थी। फिर गौरव के पास गया तो यहाँ पुष्पेंद्र भाई ने ब्लॉग बनाया और बाजू में पटेरिया जी भी बैठे हैं। फिर मैं गया विशाल के घर तो यहाँ छोटी सी क्यूट सी भांजी मिल गई और मेरी गोद में आके जो रोना स्टार्ट किया ना भाई क्या बताएं। तुम लगते ही हो डरावने से। अरे नहीं, बाजू में तुम दिख गए होगे उसको गधा कहीं का। और यहाँ कंचन दीदी मेहंदी की स्पेशल रेसिपी बना रही थी और फिर विशाल को घर लेके आया तो ये नीचे वाला ग्लास तो मैंने फिट कर लिया था, ऊपर वाला विशाल ने कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने फिर से फुल्की पी ली और फिर एक्सीडेंट के खाए छोटे भाई अमित के पास गया तो ये मेरे ब्लॉग देख के टाइम पास कर रहे थे। और फिर बाबूजी सुनील भाई से मुलाकात हुई और सुबह से नींद खुली तो कुछ लोग खम्भे पर चढ़कर स्टंट कर रहे थे। इसके बाद बड़े भाई मनोज साहू ने फिर से फुल्की खिलवा दी। घर आए तो क्यूट मेहमान जमीन पर ही पानी में स्विमिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। दूर हट जाओ, आज तो मैं तैर कर ही रहूंगी, हटो बाजू, आज तो मैं सीख कर रहूंगी। तो पूरी कहानी यहीं खत्म होती है तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।